इसको बोले हैं कि हेलमेट पकड़ लो तो बोला है मंदिर में हेलमेट ही नहीं ले जा सकते हैं, अब देखो उपाय लगाना पड़ता है, लॉकर से लॉक करो ना। चलो इसको इसमें पकड़ के ऐसे कर दिए गाइस, क्योंकि मैंने इनको इसीलिए बोला है क्योंकि इधर वो ले जा सकता है हेलमेट, और मुझे हाथ पकड़ने में बहुत तकलीफ होती है इसीलिए। श्री कृष्ण, रामचंद्र जी और भोलेनाथ। जय बजरंगबली। ये देखो इसके मुंह में मैं हाथ डालूंगा, कट गया। अब देखो मैं घंटी बजाऊंगा भैया, देखो मुझको दिखाओ, देखो बजा। गुड, चलो हो गया। चलो माँ सरस्वती का दर्शन मिल जाओ। गोलू गोलू, ओए 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 ओए, अरे क्या बात है, ठीक है। हो गया, अच्छा। पागल है, ठंडा है, इस ठंडा का गन्ना का जूस ठंडा होता है। इस पार्क में मैं आज लगभग छः साल के बाद आया हूँ, और क्योंकि जब ऋषभ छोटा था ना तो इस पार्क में आने के लिए बहुत ही जिद करता था, और आता तो एकदम उस समय इतना ज़्यादा भीड़ होता था कि क्या बताएं, लेकिन अभी तो एकदम लगता है पता नहीं बंद है कि क्या है, एकदम कोई आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी जा रहे थे इसी होके तो देखे हैं कि अच्छा यही समय है, यही ये समय था कि मतलब इस पार्क में आया करते थे एकदम, है ना।
ये मेरे बचपन का पार्क है ना, बिकाना जंक्शन। बचपन में ये इस पे घूमने के लिए एकदम पूरा बेचैन हो जाता था, है ना। देखिए क्या हालात है इसका, एकदम कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन एक बार बैठ जाओ, गेट खोलो, बैठ जाओ, है ना, है ना। पूरा एकदम देख रहे हैं, इस ट्रेन को चलाने वाला कोई नहीं है, बंद हो गया है एकदम पूरा। ये बिकाना जंक्शन, फिकाना जंक्शन। अभी ट्रेन में बैठे हुए हैं ना, तो एक दो लोग गया है इधर से, बोला अरे खुल गया क्या, चलिए हम लोग भी घूमते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई देखने सुनने वाला एकदम नहीं है, है ना। चलो।